दोस्तों ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा जो बेटिंग टिकट लेकर के यात्रा करते थे, बेटिंग टिकट लेकर के या फाइन देकर के यात्रा करते थे, उसको जाके वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है करण प्रताप, आप सभी को स्वागत करते हैं करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। क्योंकि ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जो बेटिंग टिकट लेकर के यात्रा कर रहे थे उसके लिए बड़ी अपडेट जो लेकर आया है। अपडेट क्या है और आपको प्रॉब्लम भी होगा कि भाई बेटिंग टिकट लेकर वो दुख की भी बात है, आपको सारे प्रोसेस इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं IRCTC वेबसाइट के सबसे पहले मैं अपडेट देते रहते हैं। तो चलेगा बिना कोई टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मान लीजिए आपने कहीं यात्रा करना, जैसे कि मान लीजिए आपको दिवाली या दशहरा या कोई पर्व त्यौहार पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल रहा, आप जल्दीबाजी में अपने टिकट बेटिंग ले लेते हैं, बेटिंग ले लेते हैं और सोचते हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं, मैं स्लीपर वाले बोगी में मैं चला जाऊँगा या बेटिंग नहीं भी लूँगा तो मैं उसको फाइन दे करके मैं चला जाऊँगा। ये रूल जो अब चेंज कर दिया गया, आप रूल क्या चेंज कर दिया गया वही इस वीडियो में जानते हैं। देखिए आपने बेटिंग टिकट लेकर के जब आप बोगी में जाएंगे तो वहाँ से आपको TT उतार देंगे। आप इसलिए उतार देंगे क्योंकि आपके पास बेटिंग टिकट है और जितना कंफर्म टिकट में पैसा लगता है उतना ही आपको बेटिंग टिकट में भी पैसा लगता है। तो आप बोलेंगे भैया मुझे उतार क्यों देंगे TT, भला मैं तो उसमें उतना पैसा दे दिया हूं ना, मुझे क्यों उतारेगा। तो देखिए अगर आप बेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर बोगी में एंट्री करते हैं, स्लीपर बोगी में जाके बैठते हैं सीट पे, तो आपको फाइन भी लगेगा और आपको उतार भी दिया जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से ही आदेश है। क्योंकि ये वीडियो उसी सबको शेयर कर दीजिए जो सोचते हैं कि मैं बेटिंग टिकट लेकर के मैं यात्रा कर लूंगा। ये जो है अपडेट सबसे बड़ा अपडेट है। बहुत सारे मतलब कंप्लेन ऐसा गया है कि बोल रहे कि अब भैया स्लीपर बोगी को भी जनरल बोगी बना दिया गया, तो मतलब स्लीपर ही बोगी जनरल है तो जनरल के क्या काम है, फिर जनरल की ऐसे ही नाम का भी जनरल है। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे टिकट कंफर्म टिकट चाहिए, मैं कंफर्म टिकट पे यात्रा करूंगा, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया हूं, वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए पहले का रूल कुछ 2024 में ये रूल ये लागू किया गया है, लागू यही है कि बेटिंग टिकट में आपको यात्रा कर तो सकते हैं, बेटिंग टिकट में ऐसा नहीं कि आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बेटिंग टिकट में आपको जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं, जनरल डब्बे में आप यात्रा कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैं बेटिंग टिकट ले आया हूं स्लीपर का, तो मैं स्लीपर ही बोगी में एंट्री लूंगा ना, स्लीपर ही बोगी में जाके बैठूंगा, तो वहां पे आप नहीं बैठ सकते और वहां पे आपको TT RPF वाले सब उतार देंगे, आपको जनरल में भेज देंगे। अगर आप ज्यादा करते तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये ऊपर से ही आदेश है। मतलब आप सब बेटिंग टिकट पे आपको कोई फायदा नहीं, आप बोलेंगे भैया मैंने इसमें बेटिंग टिकट का तो पैसा दिया, मतलब कंफर्म टिकट का पैसा दिया, लेकिन आपको एक तरीका क्या है तो समझिए, अगर आपने बेटिंग टिकट आपको कंफर्म नहीं हुआ तो वो टिकट को कैंसिल करा करके आप जनरल टिकट ले सकते हैं। जनरल टिकट लेने के बाद आप डब्बे में बैठ सकते हैं, जनरल वाले में तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा आपको कम मिलेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई सा पर्व त्यौहार पे मैं यात्रा करूंगा लेकिन आपके टिकट फुल हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दिए। मेरे चैनल पर ऐसे कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे IRCTC के बारे में। तो ये अपडेट आपको जानकर कैसा लगा इस चैनल के कॉमेंट में राय अपना जरूर दें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि IRCTC वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिएगा अगले वीडियो में कुछ नया लेके आते हैं कुछ अपडेट, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।